फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। दोनों ही छोटे से स्टॉक है लेकिन इनके सपने बहुत बड़े हैं। आने वाले समय के दोनों मल्टीबैगर स्टॉक है और जो भी इनमें निवेश करेगा उनको बहुत ही ज़्यादा बम्पर रिटर्न मिल सकता है आने वाले समय में। अगर आप दोनों स्टॉक को 5 साल के लिए होल्ड करके रख सकते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा रिटर्न ले पाओगे इनसे। ज़बरदस्त लग रहा है इन दोनों का भविष्य। एक ऊर्जा क्षेत्र का बहुत ही मजबूत चमकता हुआ सितारा है जो आने वाले समय का भविष्य है, और तो दूसरा टेक्सटाइल उद्योग का बहुत बड़ा कारोबार करने वाली एक कंपनी है जो पर्यावरण के साथ में चल रही है और बहुत सारे अवार्ड उनको लगातार मिल रहे हैं। कारोबार बहुत ही शानदार कर रही है। इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट में भी बहुत सारा कामकाज है और कारोबार उनका लगातार बढ़ रहा है। कंपनी दोनों प्रॉफिट में है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। कारोबार दोनों का अच्छा है, निवेश करने पे हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एक समय के जो छोटे पैनी स्टॉक थे लेकिन ट्राइडेंट लिमिटेड तो अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है और ऊर्जा ग्लोबल भी अभी लगातार अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहा है और बहुत जल्दी 10 के पार ये भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, क्या इस समय निवेश किया जा सकता है या फिर अभी वेट करना चाहिए क्योंकि बाजार काफ़ी ऊपर आ चुका है और बड़ा करेक्शन आ सकता है, तो क्या ऐसी संभावना बन सकती है या फिर अभी हमें प्रॉफिट बुक करके इनमें से निकल जाना चाहिए? तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक ने तो लोगों को मालामाल कर दिया है। पिछले काफ़ी समय से स्टॉक लगातार दौड़ा है और इस ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक की एक खास बात यह है कि एक बार इसमें शानदार तेजी बनती है और फिर उसके बाद में काफ़ी समय तक ये करेक्शन के दौर में रहता है। तो ये स्टॉक बहुत ज़ोरदार दौड़ा। पहले 6 रुपये से इसने दौड़ना शुरू किया तो 10 रुपये में जाके रुका, फिर वहाँ से इसने छलांग लगाई तो ये फिर से 14-15 के तक पहुँच गया। उसके बाद में स्टॉक फिर वहाँ से दौड़ा तो फिर 19 तक जाके आया, लेकिन फिर उसके बीच में ये करेक्शन के दौर में आ जाता है, 2 से 3 रुपये नीचे काफ़ी समय तक रहता है और यही दौर इसका चल रहा है, करेक्शन का दौर। बहुत जल्दी इस करेक्शन के दौर से ये बाहर निकलते इस बार 20 के पार हो जाएगा क्योंकि कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो, कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और लगातार अपने कारोबार को बढ़ा रही है। और पिछले दिनों उन्होंने 1100 करोड़ रुपीज़ के फंड रेजिंग की भी घोषणा की है, यानी अपने कारोबार को वो लगातार बढ़ाने वाले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बार हम उसके कारोबार को आज डिस्कस कर लेते हैं। आज ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक 16.45 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 16.70 की और लो है 16 का, एंड में क्लोजिंग आई वो है 16.20 पर, करीब 1.22% डाउन पर। वॉल्यूम की बात करें तो BSE में 41,13,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 20,29,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 49.35%, तो 50% के आसपास डिलीवरी बेस काम हो रहा है, इसका मतलब लोग खरीदारी अच्छी खासी कर रहे हैं इसमें। NSE की बात कर लेते हैं, 1,44,24,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 65,28,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 45.26%, तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस काम हो रहा है और स्टॉक ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है। पिछले एक साल में 5.90 की इसकी लो है और ये 19.30 तक जाके आ चुका है और अभी ये फिलहाल स्टॉक करेक्शन के दौर में है और काफ़ी जल्दी ये दौड़ने को तैयार है। तो फ्रेंड्स, जो ट्राइडेंट लिमिटेड ने जो फंड रेजिंग की है उसके पीछे जो वजह है वो है अपने कारोबार को बढ़ाना। तो ट्राइडेंट लिमिटेड पूरे हिंदुस्तान में अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती है। जहाँ पर अब जिस स्टेट में अभी उनके शोरूम्स नहीं है वहाँ पे भी वो शोरूम खोलने वाले हैं। तो एक बार हम उनके बड़े बड़े शोरूम जो है इंडिया के अंदर उसको भी डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ पर उनके शोरूम है और कहाँ पे अब आगे वो इन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो पहला शोरूम है इनका ट्राइडेंट यान स्टोर, वो न्यू दिल्ली में है। सेकेंड इनका ट्राइडेंट एक्सक्लूसिव शोरूम जो है वो पुणे में है महाराष्ट्र, फिर ट्राइडेंट का शोरूम सोलापुर महाराष्ट्र में है, फिर ट्राइडेंट का शोरूम लुधियाना पंजाब में भी है, ट्राइडेंट का शोरूम भोपाल MP में है और ट्राइडेंट टेक्सटाइल मिल्स लुधियाना पंजाब में है, ट्राइडेंट लिमिटेड के नाम से न्यू दिल्ली में शोरूम है, फिर ट्राइडेंट शोरूम न्यू दिल्ली, उसके बाद ट्राइडेंट कॉरपोरेट ऑफिस हरियाणा में है, ट्राइडेंट चंडीगढ़ में भी है, ट्राइडेंट ग्रुप के नाम से चंडीगढ़ में है शोरूम, फिर ट्राइडेंट एसोसिएट के नाम से तेलंगाना में है, फिर ट्राइडेंट आउटलेट के नाम से लुधियाना पंजाब में है, फिर ट्राइडेंट ग्रुप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बुधनी MP में है और ट्राइडेंट स्टोर मुंबई, फिर ट्राइडेंट ग्रुप लुधियाना, ट्राइडेंट बेंगलुरु। तो इस तरह से लगातार हिंदुस्तान के काफ़ी राज्यों में इनके बड़े बड़े शोरूम हैं और सबसे बड़ी बात इनका अभी फ़िलहाल गुजरात, राजस्थान और UP, बिहार में इनके भी शोरूम नहीं है। तो ये जो फंड रेजिंग की जा रही है तो इन राज्यों में भी अब शोरूम खोले जाएंगे। तो इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में इनका कारोबार फैलाने का इरादा है, हिंदुस्तान के जितने बड़े शहर हैं उनमें इनके शोरूम खोले जाएंगे। तो बड़ा सपना देखा है क्योंकि आपको पता ही होगा
ट्राइडेंट के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के दौरान उन्होंने विजन 25 पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले 2025 तक कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में लाना, जिससे इनके शेयर होल्डर ट्राइडेंट से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे पाए, ये इनकी तमन्ना है और इस कारोबार को वो लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ट्राइडेंट लिमिटेड में बहुत बड़ी तेज़ी बन सकती है, स्टॉक आपको 100 के पार जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो निवेश इस समय आपको करना चाहिए और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, ये आपको मालामाल कर सकता है। फ्रेंड्स, अब ऊर्जा ग्लोबल की बात कर लेते हैं। आज स्टॉक के अंदर शानदार तेज़ी बनी, पिछले दो दिन से स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। कारोबार की बात करें तो स्टॉक आज ओपन हुआ 7.75 पर और पूरे दिन की यही हाई थी, लो इसका 7.65 का है और क्लोजिंग 7.75 पर करीब 5% अपर सर्किट के साथ में आई है। तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, इसका 52 वीक का लो 2.25 का है और हाई 9.35 का है। तो बहुत ही शानदार इसने परफॉर्मेंस दिखाई है, पिछले एक साल में 228% का शानदार रिटर्न एक साल में इसने दे दिया है और 23% दूर है अपने 52 वीक से और पिछले एक महीने में ही 24.37% का इसने रिटर्न दे दिया है और क्वार्टर फोर का इसका रिजल्ट भी आ चुका है, रिजल्ट बहुत ही शानदार है। टोटल इनकम कंपनी की 55.33 करोड़ की रही है, जो क्वार्टर थ्री से 40.36% ज़्यादा है। क्वार्टर थ्री में कंपनी की टोटल इनकम 39.42 करोड़ रुपीज़ थी, पिछले साल के सेम क्वार्टर से बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, 78.59% की बढ़त हुई है। पिछले साल इनकी टोटल इनकम 30.98 करोड़ की थी और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.99 करोड़ है। तो कंपनी को पहले मुनाफा नहीं था, लेकिन अब कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, लगातार कारोबार बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात, प्रोमोटर ने क्वार्टर फोर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, 31.55% थी उसको बढ़ा के 31.97 कर लिया है। तो प्रमोटर ने ठान लिया है कि आने वाले समय में कंपनी का कारोबार आगे बढ़ाना है, क्योंकि कंपनी ग्रीन एनर्जी का काम कर रही है और ग्रीन एनर्जी को भारत सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, PLI स्कीम का भी फायदा मिल रहा है और इस वजह से आने वाले समय में बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार बढ़ेगा कंपनी का और शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी। तो इस समय निवेश किया जा सकता है, बहुत ही छोटा पेनी स्टॉक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कभी भी पेनी स्टॉक में निवेश करें तो बहुत ही मिनिमम निवेश करें। फ्रेंड, जो भी आपका निवेश हो उसका सिर्फ 20% ही लगाए, 80% अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप स्टॉक में लगाए, ताकि जब भी बाजार में करेक्शन भी आए तो वो आपका निवेश सुरक्षित रहे। लेकिन 20% का आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ही आपको बड़ा बम्पर जैकपॉट लगने की संभावना बनती है। ऊर्जा ग्लोबल सोलर ऊर्जा का काम करती है, बहुत सारे कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और आने वाले समय में कंपनी के पास बहुत काम होने वाला है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट का काम करने वाली इंडिया की सबसे बड़ी ये कंपनी है। अब आने वाले समय में जितनी भी स्ट्रीट लाइट होगी वो बिजली की बजाय सोलर लाइट से चलेगी और उस समय ऊर्जा ग्लोबल को बहुत ज़्यादा कारोबार मिलेगा। तो यह एक आने वाले समय का चमकता हुआ सितारा है, बिल्कुल इस समय आप निवेश करें, आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, ट्राइडेंट लिमिटेड तो मेरा फेवरेट स्टॉक है, इसके काम काज करने के तरीके से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और मुझे इस कंपनी पर बहुत ज़्यादा भरोसा है और इसीलिए मैंने लगातार आपको इसमें खरीदारी की सलाह दी है। अगर इसमें आप निवेश करते हो तो ये आपको बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।